यहाँ हो रहा है दूध गरम। स्कूल से आज मैसेज आ गया, आयुष की छुट्टी है रविदास जयंती की। अरे अब ये बस, अब तो सो जा थोड़ी देर और। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह की शुरुआत हो गई है और आयुष आप देख रहे होंगे पीछे मेरी मदद भी करेगा झाड़ू पोछा करने में, क्योंकि आयुष की छुट्टी है। आयुष ने सारे काम करोगे, सब बड़ा शौक है ना काम करने का। जब तक कपड़ों का काम होता है मैं बेडरूम सेट कर लेती हूँ। इसमें चेयर लगा रखी है, आजकल ये टेक्निक नहीं कर रखी है, ये चेयर हर टाइम ये चेयर घुमाता रहेगा, कभी स्लैब किचन के आगे लगा देगा और फिर ऐसे खड़े होके जाएगा। बेडरूम हो रखा है बहुत फैला पड़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना यूज़ ये हमारा यही कमरा होता है, बाकी कमरे इतने यूज़ नहीं होते। और इसको करते हैं सेट। ये इसको रात में लेके सोता है इसका भैया इसका भैया है। आज करती हूँ फ्रिज का मेकओवर, क्योंकि बहुत मैसी हो गया। सारा निकाल के मैंने सामान यहाँ रख दिया है, अब इसको करते हैं साफ। निकाल चुका है, मेरे सैंडल्स रखे हैं 50 बार निकाल चुका है। कर क्या रहे हो आप उसको निकाल निकाल के?
करने वाली बेटा, इसको तो मैं छुपाने वाली हूँ। ये जहाँ भी इसकी हाइट नहीं पहुंच पा रही, इस चेयर को ला रहा है और फिर इसमें खड़ा होके ये उल्टे काम कर रहा है। ये रोता भी है, ये अरे क्यों रो रहा है पता है? ये अपने बाबू के लिए रो रहा है, इसे बाबू चाहिए। लेकिन नहीं, मैं नहीं देगी उसको बाबू, नहीं मिलेगा। मैंने उसको खेलो, आप बाबू करना क्या करना है बाबू को। यहाँ लेट गया अपने बाबू के साथ, रो रो के इसको मेरे को देना ही पड़ा। तो मैंने ले लिया है एक मुट्ठी झुंगरियाल और मैंने लिया है प्लेन छाछ, आप दही भी यूज कर सकते हैं। और ये है पहाड़ी झुंगरियाल जिसका हम बनाएंगे। इसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है, एक दिन मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताऊंगी। और अभी मैं बना रही हूँ छचिंडू छंछा, इसे धो लिया है और इसी में मैं बना रही हूँ। अब मैं इसमें जो एक पैकेट मैंने बटर मिल्क लिया था, मैं इसमें इसको डाल दूंगी। आप दही भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास दही भी है तो। मैंने इसमें पूरा एक पैकेट छाछ डाल दिया है, प्लेन छाछ, और इसको मैं इसी में पकाऊंगी। तक मैं ले आती हूँ लहसुन के पत्ते और पुदीना जो मेरे छत में ही लगे हुए हैं। इसका बनाएंगे नमक, तो इसको तोड़ना शुरू करते हैं। लहसुन के पत्ते मैंने उगाए थे, इसका बनाएंगे नमक। अब बहुत अच्छा बनता है इसका नमक ना, पत्तों का खूब सा। ये मैंने लहसुन की ना कलियाँ डाल दी थी, मैंने आपको बताया था वीडियो में। मुझे ना डर भी लगता है छत में, छिपकली का कुछ पता नहीं है, कहीं से भी आ जाए। तो मैंने ले लिया है नमक के लिए पुदीना और लहसुन। चलो अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे ये बॉईल आ रहा है, बनने लग रहा है, ये बनता रहेगा तब तक मैं नमक बना लेती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया है एक चम्मच नमक, कुछ लहसुन के पत्ते और जो मैं लेकर आई थी पुदीना और दो मिर्च। अगर आपके पास लहसुन के पत्ते नहीं है तो आप लहसुन की कलियां भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मिक्सी में घुमा के इसका लूण बना देते हैं, नमक पहाड़ी लूण। तो ये रेडी है पहाड़ी लूण, पहाड़ी नमक। और इसमें बिल्कुल भी आपको ना पानी ऐड नहीं करना, मैंने मिक्सी में बनाया है, आप इसे सिलबट्टे में भी बना सकते हैं। तो ये है तैयार, और ये भी देखो उबलने लग गया है। इसे तब तक उबालेंगे जब तक थोड़ा सा ना, एक तो ये पक ना जाए झुंगरियाल और थोड़ा सा ये गाढ़ा ना हो जाए। बनके रेडी है छंछा छचिंडू जो हमारी पहाड़ी डिश है, और साथ में मैंने बनाया है पहाड़ी लूण। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो आज का है पहाड़ी डिश हमारा छंछा और छचिंडू, ये है हमारा लंच।